हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डोंट डॉक्टर वंस अगेन। कैसे हैं आप? होप थिंग इज फाइन। तो आज मैं कुछ बातचीत करने वाला हूं आपसे कि सबसे पहले तो आपने जो हेल्प किया मुझे डिसीजन लेने में वो मैंने फाइनलाइज कर लिया है। तो मैंने कम्युनिटी टैब में भी डाला था कि क्रेन M2 इज़ कमिंग, सो एक दो दिन में मेरे पास आ जाएगा। सर उस पर सारे वीडियोज़ बनेंगे, सारा उसका रिव्यू आपको बताऊँगा। तो फाइनली मैंने वो डिसाइड किया। क्यों किया? उसका यह था कि अभी मेरे पास G7X Mark II है और अभी नया कैमरे का तो कोई है नहीं मेरे पास ऑप्शन, या अभी आराम से ही जब चेंज करेंगे तो करेंगे। तो लेना मैंने वो A6400 था। तो फिलहाल अभी मेरे पास पॉइंट एंड शूट कैमरा ही है और उसको उसके लिए इवन अगर मैं A6400 भी लेता हूँ तो उस पर भी वो बैलेंस हो जाता है। तो मेरे सारे जितने भी कैमराज के सोल्यूशन थे इंक्लूडिंग माई फ़ोन, तो ये गिम्बल सॉल्व कर रही थी क्योंकि इस पर GoPro लग सकता है। मेरे पास 7 नहीं है, जो आप कई लोग कहते हैं आपको स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है, 7 है तो मेरे पास 7 ही, मेरे पास 5 है तो उस पर स्टेबलाइजेशन करेंगे तो अच्छे शॉट्स आएंगे। तो GoPro चल गया मेरा और मेरे पास मोबाइल फ़ोन है iPhone, तो 4K वगैरह अगर अच्छा शूट करना है उस पर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो सिनेमेटिक करने के लिए iPhone भी लग जाएगा उस पर। और नंबर 3 जिस पर मैं शूटिंग कर रहा हूँ कैनन G7X Mark II, तो इस पर भी मैं शॉट्स ले पाऊँगा। तो मेरे सारे जो काफ़ी मैंने कैलकुलेशन वगैरह करी, DJI Osmo इसलिए लिया क्योंकि वो खाली मोबाइल के लिए ले जाता और उसके अंदर एक 360 रोल मुझे बहुत पसंद है शॉट, वो जो पूरा रिवॉल्व करता है वो नहीं है उसमें। तो ये दो चीज़ें थी जिसके लिए मैंने DJI Osmo जो लेटेस्ट है वो छोड़ दी। एंड Ronin SC की जहाँ तक बात है वो बहुत पसंद आई थी, वो हाई एंड है थोड़ा और उस लेवल के लिए हाई एंड आपके पास कैमरा होना चाहिए और वो कल की बात है, अगर जब होगा तो तब देखेंगे। तो फिलहाल जब मैं अगर कैमरा शिफ्ट करूँगा तो पहले इसी गिम्बल पे टेस्ट करूँगा जो आने वाली है, क्योंकि इस पर भी लोगों ने बहुत वीडियोस इस पर बाहर बन चुके हैं। इंडिया में अभी इतने वीडियोज़ नहीं है, आई थिंक मेरा दूसरा होगा, एक वीडियो और आज अपलोड हो गया है क्रेन M2 के ऊपर और आई थिंक सो और इस पर डिटेल वीडियोज़ सिनेमेटिक शॉट्स एवरीथिंग एंड इट इज़ ऑल राउंडर गिम्बल। और Zhiyun काफ़ी अलग सा, कई कहते हैं Zhiyun, तो जो भी है Zhiyun कंपनी का काफ़ी अच्छा नाम है, अब गिम्बल्स में भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे बढ़िया इसका मुझे लगा कि ये लाइट वेट है, छोटी है, येट इसमें सब सारे ऑप्शन दे रखे हैं जो हाई एंड गिम्बल्स में आपको मिलते हैं। बाकी पॉइंट एंड शूट और GoPro के लिए तो बहुत अच्छा है इसका रिस्पांस। सोनी के जो थोड़े A6400 जैसे कैमरा उसमें किट लेंस वगैरह हैवी लेंस नहीं यूज़ कर पाएंगे तो वो भी इस पर चल जाएगा। तो इट इज़ ऑल एंड ऑल बड़ी अच्छी ऑप्शन है। तो यही कारण था कि मैंने ये सिलेक्ट की है और कल परसों जब भी आएगा पहले अनबॉक्सिंग आएगी उसका, फिर सारा मतलब इस पर डिटेल सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पर। एंड थैंक्स टू यू एंड दिस इज़ फ्रॉम माई YouTube इनकम, सारा श्रेय आपको जाता है। और ऐसे अगर हमारा ग्रो करता गया चैनल तो ऐसी चीज़ें और आती रहेंगी। और सेकंड बात मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो बडिंग यूट्यूबर्स हैं वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा, मैंने काफ़ी एनालिसिस किया कि चैनल चलाने के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। एक आपको एक चैनल बताता हूँ मैं, चैनल का नाम है एवरीथिंग डैड, मैं लिंक दे दूंगा। तो वो US में है जो बंदा है जो चलाता है, और जब मैंने ये चैनल सीरियसली शुरू किया था तब उसने भी किया था और उस टाइम पे उसके और मेरे में 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर्स का फ़र्क था उस टाइम पे। एवरीथिंग डैड ऐसे कुछ नाम है, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ पैसा कैसे। एंड ही हैज़ ए गुड बाइंग, मतलब बाहर का है, अमेरिकन है एंड जॉब करता है और आई थिंक उसकी वाइफ भी जॉब करती है। एंड उसने तब शुरू किया और वैसे ही करता था जैसे मैं डालता हूँ वीडियोस, वो डालता रहता था। ड्रोन्स पे भी उसने बहुत वीडियो डाले, मतलब काफ़ी सिमिलर कंटेंट है जैसे मैं कैमराज के बारे में बोलता हूँ, गिम्बल्स, ड्रोन्स। तो अब वो बता रहा हूँ मनी, पावर ऑफ मनी उसके पास है, परचेजिंग पावर बहुत है। तो वो हर एक कैमरा जो रिलीज़ होता है कैनन का या सोनी का वो परचेज़ कर लेता है एंड देन ही मेक्स वीडियो आउट ऑफ दैट। ड्रोन जो भी रिलीज़ होता है DJI का ही परचेज कर लेता है। तो आज वो आई थिंक 70-80 हज़ार क्रॉस कर चुका है, लाख के आसपास आने वाला है विद इन 1 ईयर।
1 to 2 years, and I am still at near about 5,000. So ऐसे कई examples हैं. अब वो जो travel का बनाते हैं, जैसे travel vlogs, जो मतलब उसमें भी पैसा लगता है traveling में, and they grow. एक और example है बाइक का, मोटर व्लॉगिंग का एक था चैनल इंडियन रोड, उसको मैंने फॉलो किया. दैट मैन हैज़ ग्रोन इन वन ईयर. उसने पहले बाइक ली एक 10-11 लाख की, और उस पर उसने अब काफ़ी ट्रिप्स लगा चुका है विद इन इंडिया. और मेरे से बाद में उसने चैनल शुरू किया है, मतलब लास्ट ईयर ही शुरू किया था. तो जब मैंने उसको देखना शुरू किया था, 1-2 हज़ार उसके सब्सक्राइबर हुए थे, एंड नाउ दैट मैन इज़ एट 14,000 सब्सक्राइबर्स. तो नए यूट्यूबर्स को बहुत बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मनी आपको चाहिए, अगर आपको एक तरह से चाहिए ही चाहिए टू ग्रो ऑन यूट्यूब, टू इन्वेस्ट. मतलब जितना ज़्यादा आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छा होगा, आप जल्दी ग्रो कर पाएंगे. और जो बाकी चैनल्स ग्रो करते हैं विदाउट एनी थिंग्स लाइक दिस, वो बहुत कम है तादाद में. वो कौन से हैं वो चैनल? वो हैं कि जो बहुत ही एक्सट्रीम में, जैसे मनोज भाई हो गया. मनोज एक एक्सट्रीम केस था, मतलब काफ़ी अलग सी बैकग्राउंड से वो था, और उसके वीडियोस का नॉलेज और द वे ही पोर्ट्रेड, और उसके बाद अब वो भी उसी लाइन पे है. नाउ ही इज़ गेटिंग मनी, एंड विद मनी ही इज़ परचेजिंग थिंग्स टू रन द चैनल. तो अल्टीमेटली मनी इज़ द थिंग. तो मतलब ये आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस, कि क्योंकि ये मैंने अपने साथ भी देखा है कि जो जो प्रोडक्ट्स मैंने ख़रीदे हैं और उनके वीडियोज़ बनाए, शुरुआत में चाहे व्यूज़ नहीं आए, बट अल्टीमेटली एट प्रेजेंट आज की डेट में वो काफ़ी क्रॉस कर चुके हैं. कहीं पे 20,000, कहीं पे 15,000, कहीं पे 28,000 व्यूज़ आ चुके हैं. तो मनी वर्क्स एक तरह से. तो जो भी है, आप अच्छा प्रोडक्ट अगर आप अपने चैनल के हिसाब से अनबॉक्स करते हैं या ख़रीदते हैं, तो उस पर अच्छा रिस्पॉन्स ज़रूर आता है, और वो वीडियो ज़रूर काम करता है. और उसके अगर आप एफिलिएट वगैरह लगाते हैं थोड़ा बहुत, उससे आपको अगर मे बी बंदे परचेज कर लें तो ये मेरा एक थॉट था, मैं आपसे शेयर करना चाहता था. और तीसरी बात आपसे शेयर करता हूँ, कल वीडियो वो आई थिंक वो मैंने ऐसे कैजुअली बनाया था. मेरे माइंड में ये कहीं था कि ड्रोन, क्योंकि यहाँ बैन है अभी सितंबर तक, तो मेरा मन कर रहा था ड्रोन उड़ाने का, और कहीं उड़ा सकता नहीं था, तो मैं छत पर उसको ले गया, और मैं कुछ नया करना चाहता था उसके साथ. तो अब ऐसे मैं 1-2 पंगे लूँगा, इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाना चाहता हूँ. वो वाला बस ऐसे ही मैंने बना दिया, कि आई वॉज ट्राइंग टू यूज़ इट एज ए गिम्बल, पर वो हो नहीं पाया, क्योंकि गिम्बल ट्रैक करता है. तो ये अपने इस डायरेक्शन में घूम रही थी गिम्बल, स्टेबल तो हो रहा था वीडियो, तो जस्ट फॉर फन बनाया था. तो कईयों को ठीक लगा, कईयों को अच्छा नहीं लगा. तो कई बार नई चीज़ करनी पड़ती है, एक्सपेरिमेंट किया था वो मैंने. तो आप अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो सॉरी, बट स्टिल आई डू करता ना दिमाग कुछ नई चीज़ करने के लिए. तो कई बार अच्छी हो जाती है, कभी बेकार हो जाती है. तो बस आज यही बातें आपसे शेयर करनी थी. तो सून आपको देखने को मिलेगा ज़ेयून की क्रेन M2 ऑन दिस चैनल. तो और आप नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लाते हैं ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, और इसके अलावा सिनेमेटिक शॉर्ट्स एंड ऑल दैट, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, जो मुझे पसंद है वो चीज़ें जो मैं लेता हूँ, वो अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ. प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और थैंक यू वेरी मच. जय माता.